Hello guys, welcome to my channel. I hope you all are good and if you are new to this channel, do not forget to subscribe this channel. So, आज हम कुछ interesting सा बनाने वाले हैं, जैसे कि abstract painting. Abstract painting बहुत ही easy painting है, उसमें हम बहुत सारे colors और बहुत सारे अलग अलग patterns use करेंगे and वो painting को बनाएंगे and बहुत ही easy painting है. तो आप जरूर try करना and without wasting any time, let's start the video. सो गाइज़, मैंने यहाँ पे नॉर्मल ड्राइंग पेपर लिया है और उस पर मैं मेरी पुरानी अप्सरा की पेंसिल से शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ. आप कोई भी रैंडम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे मैं सर्कल हाफ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं कंपास के हेल्प से हाफ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. एंड आप ऐसे कोई भी रैंडम शेप्स और ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग काफ़ी रैंडम होता है. जो भी आपके दिमाग में आए वो आप शेप्स ड्रॉ कर सकते हो. जैसे कि आप कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हो, आपको चाहिए तो आप फ्लावर्स ड्रॉ कर सकते हो, पत्ते ड्रॉ कर सकते हो, लाइक दैट. सो यहाँ पे मैं अलग अलग शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ. तो यहाँ पे मैंने शेप्स ड्रॉ कर लिए. अभी मैं यहाँ पे पत्ते ड्रॉ कर रही हूँ. ये पेंटिंग काफ़ी इजी होता है. आपके दिमाग में जो भी शेप्स आए आप वो ड्रॉ कर सकते हो, जो भी डिज़ाइन है वो ड्रॉ कर सकते हो. एंड फूल पत्तों की डिज़ाइन तो सबसे इजी होती है, सो यू कैन ड्रॉ दैट. शेप्स ड्रॉ होने के बाद मैं उसको पेंट करूँगी. यहाँ पे मैं पोस्टर कलर का यूज़ कर रही हूँ. आप एक्रैलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हो, वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हो, बट वाटर कलर का कंसिस्टेंसी जो होता है वो बहुत थिन होता है, इसलिए मैं यहाँ पे पोस्टर कलर का यूज़ कर रही हूँ. इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू कैन चेक दैट. यहाँ पे मैं काफ़ी वाइब्रेंट कलर यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि वो काफ़ी डार्क दिखे हमारा पेंटिंग एंड काफ़ी वाइब्रेंट दिखे. Just
कलर्स का यूज़ होने के बाद मैं यहाँ पे मार्कर यूज़ कर रही हूँ आउटलाइन करने के लिए। जैसे आप आउटलाइन करोगे वो शेप्स और अच्छे से दिख के आएंगे। ब्लैक मार्कर से आउटलाइन करने के बाद मैं यहाँ पे वाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ, जिससे कि हमारे पेंटिंग को बहुत अच्छे से फिनिशिंग आए एंड वो और अच्छे से उभर के देखे। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, मैं वाइट कलर से हाईलाइट कर रही हूँ तो वो पत्ते कितने रियल और कितने अच्छे दिख रहे हैं। सो यहाँ पे भी मैं ब्लैक कलर से आउटलाइन कर रही हूँ और इसके ऊपर मैं पैटर्न बनाऊंगी। आप कोई भी रैंडम पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मैं लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे ही आप पैटर्न ऐड करोगे उससे वो और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा अच्छे से उभर के आएगा। यहाँ पे भी मैं सर्कल को वाइट कलर से आउटलाइन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने पेंट यूज़ किया है एंड यहाँ पे भी मैं एक रैंडम पैटर्न बना रही हूँ। आप कोई भी रैंडम पैटर्न बना सकते हैं, जैसे कि डॉट बना सकते हैं, लाइन्स बना सकते हैं। यहाँ पे पैटर्न होने के बाद मैं फिर से ब्लैक मार्कर से यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ। एक रैंडम पैटर्न भी कितना अच्छा दिख रहा है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में। यही होता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में कि आप बहुत सारे रैंडम चीज़ों को ऐड करके मिक्स करके वो कितना अच्छा बनाते हो। तो यहाँ पे भी मैंने डॉट्स ऐड किए हैं वाइट कलर से। आप कोई भी कलर से ऐड कर सकते हो, बट हमने वाइब्रेंट कलर यूज़ किया है तो वाइब्रेंट कलर पे ब्लैक कलर एंड वाइट कलर अच्छे से उभर के दिखेगा, इसलिए मैंने वाइट कलर का यूज़ किया। यहाँ पे भी मैं बहुत सारे डॉट्स ऐड कर रही हूँ। सो बहुत सारे रैंडम पैटर्न्स ऐड करने के बाद हमारा ये पेंटिंग ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब ज़रूर रिक्रिएट करना। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब करना मत भूलो। एंड ये पेंटिंग ज़रूर ट्राई करना एंड मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना। टिल देन बाय।